ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, दैट इज आईएएस टॉपर्स मंत्रा। तो मुझे बता दीजिए आगे बढ़ने से पहले, दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। एंड दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट टू इयर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म्स। यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है, 4 अटेम्प्ट और 4 मेंस में। और I've also worked as Assistant Commissioner of Sales Taxes in Uttar Pradesh State Services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Yes, yes, good morning, good morning. धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है 29 अक्टूबर 2022 के करेंट अफेयर्स पब्लिश इन वेरियस न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द कंट्री में। तो आप इस सेशन का फ्री पीडीएफ, यू कैन टेक अ फ्री पीडीएफ ऑफ दिस सेशन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल आईएएस टॉपर्स मंत्रा। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स रिगार्डिंग पेड कोर्सेज, यू कैन कॉन्टैक्ट अपॉन दिस मोबाइल नंबर। यस यस, धन्यवाद आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स, और आप सभी लोगों का प्यार है और जज्बा है जो इस करंट अफेयर्स के सेशन को और मुझे भी आगे बढ़ा रहा है जीवन में। तो चलिए देखते हैं आज इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन उसके पहले आज कितने बच्चा लोगों ने पूछा था कि सर प्रीलिम्स का कोई टेस्ट सीरीज आ रहा है आईएएस टॉपर्स मंत्रा की तरफ से, तो एक प्रीलिम्स का स्पेशल पेड टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है हम लोगों ने, अपार्ट फ्रॉम 1 ईयर 2 ईयर एंड वीकेंड मेंटरशिप कोर्स के अलावा। बाय डिफॉल्ट द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल बी फ्री इन 1 ईयर कोर्स 2 ईयर कोर्स एंड वीकेंड मेंटरशिप कोर्स। वीकेंड मेंटरशिप कोर्स जिन लोगों ने एडमिशन लिया है दे नो इट दैट सैटरडे संडे और मंडे वो क्लासेस चलती हैं एंड यू वांट टू गेट द न्यू सिनॉप्सिस ऑफ एवरीथिंग। से रिपोर्ट्स, इस बार 2 रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं दिस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का और यूएनईपी का, दोनों रिपोर्ट्स डिटेल में कल पढ़ाए जाएंगे। रिपोर्ट्स ऑफ द वीक, दिस मैपिंग ऑफ द वीक, योजना मैगजीन बाकी रह गया था लास्ट वीक, तो वो भी फिनिश किया जाएगा। तो ये वीकेंड मेंटरशिप पेड कोर्स के अलावा ये नया इनिशिएटिव, ये देखिए स्टूडेंट्स, संकल्प टेस्ट सीरीज एंड संकल्प टेस्ट सीरीज, दिस गूगल फॉर्म बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा जिससे कि आप फिलअप कर सकते हैं। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने आपने देखा होगा मैंने पोलिंग डाला था ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप दिस संकल्प टेस्ट सीरीज। देखिए संकल्प टेस्ट सीरीज का क्या रहेगा, पूरा शेड्यूल मैंने यहाँ पुट अप कर दिया, देखिए यहाँ पर। यस यस, धन्यवाद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है जनरल स्टडीज पेपर्स के लगभग 17 टेस्ट। ये देखिए तो 2 दिसंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी टेस्ट, 9 दिसंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी टेस्ट 2, 23 दिसंबर, देखिए जैसे ही कोई मींस एक स्पेसिफिक एरिया फिनिश हो रहा है उसके बाद आपको 2 हफ्ते का गैप, 9 के बाद 15 दिन के बाद देखिए 23 दिसंबर को एवरी फ्राइडे द टेस्ट विल बी हेल्ड एंड संडे द डिस्कशन विल बी डन, दैट्स इट। इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ 1, इंटरनेशनल रिलेशंस प्लेसेस इन न्यूज़ 2, ये देखिए फिर 13 जनवरी को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड और 20 जनवरी को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पार्ट 2, फिर 3rd and 10th फरवरी को इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर 24 फरवरी और 3 मार्च को हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद 17 मार्च और 24 मार्च को इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, फिर 31 मार्च को एग्रीकल्चर, फिर 14 अप्रैल और 21 अप्रैल को साइंस एंड टेक 1 एंड 2, फिर 28 अप्रैल को पर्सनैलिटी न्यूज एंड गवर्नेंस प्रोग्राम्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 5 मई को करंट अफेयर्स। देखिए ऐसे सारे टेस्ट में करंट अफेयर्स का इंक्लूजन रहेगा, लेकिन अलग से 5 मई को करंट अफेयर्स जो पिछले 6 मंथ्स के होंगे नवंबर से लेकर मार्च तक के, वो यहाँ पर पुट अप किए जाएंगे। और 12 मई को कॉम्प्रिहेंसिव ऑल इंडिया टेस्ट, ये देखिए आप, तो इट्स अ फुल फ्लेज्ड टेस्ट सीरीज विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस, क्वालिटी क्वेश्चंस। आपको पता है क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, सवाल का क्वालिटी क्या रहेगा, आपको भी पता है स्टूडेंट्स, एंड यू विल वेरी सून यू विल सी दिस टेस्ट सीरीज बिकम द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस इन द होल ऑफ द कंट्री। उसके बाद टेस्ट स्कोर की काउंसलिंग भी की जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। एंड प्रीलिम्स 2023 एक्सपेक्टेड एरियाज लिस्ट विल बी इश्यूड इन अप्रैल 2023, ये देखिए
तो 28 मई के पहले आपके पास लगभग एक से डेढ़ महीना टाइम रहेगा स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड एरियाज मार्क करके जाने के लिए। आपको रियल जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑल टेस्ट विल इंक्लूड स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स ओवर द टॉपिक्स टेस्ट टू बी अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम फॉर द टाइम बीइंग इफ टेस्ट बिकम अवेलेबल इन हिंदी मीडियम इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय नवंबर 3rd वीक। सैंपल टेस्ट 40 क्वेश्चंस का नवंबर 15 को आपको जारी कर दिया जाएगा एंड सिलेबस ऑफ ऑल द टेस्ट विल बी इश्यूड बाय मिड नवंबर। ये देखिए, सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, ऑफलाइन कम ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। देयर विल बी ऐप फॉर यू टू पार्टिसिपेट ऑन टू द ऐप, लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड विल बी इश्यूड एंड दिस फीस विल बी इन द रेंज ऑफ 10,000 से 12,000 रुपये। GS के लिए फीस कैन बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स और 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। 10-20% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स एंड गूगल फॉर्म विल बी इश्यूड बाई मंडे। मैं बता दूँ आपको, आपको इसी PDF में गूगल फॉर्म का लिंक रहेगा और अलग से मैं पुटअप कर दूंगा टेलीग्राम पर गूगल फॉर्म का लिंक। एंड CSAT टेस्ट सीरीज ऑफ 6 टेस्ट विल बी अनाउंस सेपरेटली, उसका मैं पहले से आपको प्राइस बता रहा हूँ। 6 टेस्ट कम UPSC स्टैंडर्ड के 3,000 रुपये के आपको पड़ेंगे, आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, मेरा जन्मदिन है आज, बर्थडे है, और इसी खुशी में संकल्प टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है IAS टॉपर्स मंत्रा। सो यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है UPSC 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। तो दिस इज इट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ चले। ये देखिए, लगभग 17 टेस्ट डिटेल्ड और एक सैंपल टेस्ट 15 नवंबर के आसपास। मेरे हिसाब से इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और कुछ भी ज्वाइन करने के लिए। 17 टेस्ट आउट हेयर आप देख रहे हैं, 17 टेस्ट है, ठीक है, बहुत क्वालिटी टेस्ट होगा। एक और भी पॉइंट है, आप बोलिएगा कि सर टेस्ट सीरीज का कॉस्ट बाकी जगहों से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, दिख रहा हो आपको, लेकिन आप बस क्वेश्चन देखिएगा। इट्स बेटर टू अटेम्प्ट मींस क्वालिटी टेस्ट, अ सिंगल क्वालिटी टेस्ट देन टू वेस्ट मनी ऑन 5 मींस रेगुलर टेस्ट जिसका कि लेवल UPSC का है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। 17 टेस्ट है स्टूडेंट्स, देखिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसमें द फर्स्ट 12 टेस्ट आर रेडी एट प्रेजेंट, बाकी जो ये वाला टेस्ट है इसका क्वेश्चन रेडी हो रहा है, ये रेडी हो जाएगा दिसंबर तक। देखिए मार्च, देखिए 12 मई तक का पूरा प्लान है स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट है, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, बस आपको अटेम्प्ट आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की देरी है और सब कुछ शुरू हो जाएगा। बर्थडे का पार्टी चाहिए तो चलिए आ जाइए पुणे, पार्टी मिल जाएगा, गारंटेड पार्टी देंगे, पुणे आ जाइए और फोन कर दीजिए, पहुंच जाऊंगा मैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ चलते हैं। मैं इतना बता दूं, इस टेस्ट के बाद अगर इस टेस्ट को तैयार करने में 6 से 8 महीने लगे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे। इट्स नॉट लाइक जैसे काम किया जाता है नॉर्मल तरीके से फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, वैसे नहीं काम किया गया टेस्ट सीरीज में। आपको पता है क्वालिटी मैटर्स अ लॉट इन UPSC। तो चलिए आगे बढ़ चले स्टूडेंट्स, देखते हैं। गूगल फॉर्म जारी कर दिया जाएगा मंडे को, मंडे से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा टेस्ट सीरीज के लिए। दोज हु आर मींस अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप एनरोल कर लीजिएगा। पहले 50 बच्चों के लिए 10-20% डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं बता दूं आपको, ठीक है। आपको टिकट जारी हो जाएगा गूगल फॉर्म से ही। एंड स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं बता दूं दैट इफ एनी डाउट्स परसिस्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8329637094, 7038899438 एंड 7276637094। दो स्टूडेंट्स हुआ ऑलरेडी माई स्टूडेंट्स इन 1 ईयर 2 ईयर और वीकेंड मेंटरशिप कोर्स, उनके लिए ये उसी में इंक्लूड रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ चले स्टूडेंट्स। तो टेक आउट द एटलस, टेक आउट स्टूडेंट्स एटलस निकालिए, निकालिए GS पेपर 1, 2, 3, 4 मेन्स का सिलेबस, निकालिए न्यूज नोटबुक और निकालिए 3-4 कलर के पेन। बढ़ चलते हैं आज के तारीख में, 29 अक्टूबर की तारीख में क्या क्या इंपॉर्टेंट पब्लिश हुआ इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। तो पहला न्यूज ये रहा आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं सामने, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से पहला न्यूज, GS पेपर 1-3 के एरियाज को ये कवर करता हुआ ये टॉपिक। ये देखिए पहला न्यूज, द रोड टू हिस्ट्री इन अ न्यू ज्योग्राफी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। अब आप बोलेगा सर ये न्यूज़पेपर आप इतना ब्रॉड क्यों कवर करते हैं, देखिए UPSC कहीं से भी सवाल पूछ देगा,
ये आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया हुआ है। कोई पर्सन है, वो विजिट करने गया राजस्थान, वहां पर एक जगह है परवा, ये देखिए PERWA परवा, और वहां पर उसने इमेजेस लिए अरावली माउंटेन्स का। अरावली माउंटेन्स, टेल मी स्टूडेंट्स डू यू नो अबाउट दिस माउंटेन्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स अपॉन द अर्थ, यस, एक्सटेंडिंग इन फोर स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ये देखिए और शायद देखिए यहाँ लिखा हुआ है अरावली माउंटेन्स के बारे में कुछ बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, परवा राजस्थान। परवा कहां पर है? राजस्थान में, देखिए उदयपुर से थोड़ी सी दूर पर है। ये देखिए 131 किलोमीटर फ्रॉम उदयपुर, यू कैन सीट हियर, कार उठाइए और चले जाइए। देखिए और यहां पर इस जगह पर देखिए क्या स्टोन्स के ऊपर देखिए कितना मींस विंड्स ने, विंड एरोजन के कारण देखिए क्या लैंडफॉर्म्स चेंज हुए हैं। देखिए पीकॉक शेप स्टोन्स अपने आप में दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि विंड एरोजन कितना ज्यादा काम किया इस जगह पर। लेकिन व्हाई इज दिस न्यूज इंपॉर्टेंट, ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है और ये न्यूज क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज अरावली में भी सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स इसी जगह पर परवा में पाए गए हैं। ये देखिए परवा हैज द ओल्डेस्ट रॉक्स माइट बी अपॉन द अर्थ, ये देखिए इट हैज रॉक्स ओल्डर देन लाइफ ऑन लैंड, ये देखिए। और यही यहां पे डिटेल्स डेटा दिया हुआ, डेटा आ सकता है यूपीएससी में इन द अरेंज द फॉलोइंग दिस इवेंट्स या इंसिडेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आइए ऑर्डर में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्या क्या हुआ था जीवन के साथ और जीवन के बाद। ये देखिए द फर्स्ट पॉइंट, अरावली रेंजेस इज 340 to 670 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अरावली रेंजेस पहले लिख दीजिए कितना पुराना है, 340 to 670 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये देखिए ये पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट ये देखिए, अर्लीएस्ट ह्यूमंस 5 मिलियन ईयर्स अगो। ये देखिए ह्यूमन बींग्स पहली बार, कितने ह्यूमन बींग्स कब आए, ये देखिए 5 मिलियन ईयर्स अगो। क्या ये बहुत पुराना अरावली, मुझे बताइए, ईयर्स अगो। ये देखिए क्या अरावली बहुत पुराना लग रहा है स्टूडेंट्स? यस, बहुत पुराना लग रहा है। ये देखिए थर्ड पॉइंट, लेट सी, इंडियन जो प्लेट है वो एशिया में जाकर टकराया है, प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा, 40-50 मिलियन ईयर्स अगो। ये देखिए ये भी देखिए डेट दिया हुआ है, ये देखिए इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद एशियन प्लेट, कोलिजन विद यूरेशियन प्लेट 40-50 मिलियन ईयर्स अगो। ये देखिए नेक्स्ट, ये देखिए नोट कीजिए, डायनासोर्स का अकरेंस 230 मिलियन ईयर्स अगो। ये देखिए डायनासोर्स कब से कब तक रहे, 230 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर टिल 65 मिलियन ईयर्स तक ये डायनासोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे पृथ्वी पर। ये देखिए क्या बातें समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, मैं किधर इशारा कर रहा हूं मुझे बताइए। ये देखिए फिफ्थ पॉइंट, ये देखिए उसके बाद, लाइफ शिफ्टेड फ्रॉम ओशन टू लैंड 600 मिलियन ईयर्स अगो। ये देखिए लाइफ ऑन लैंड बिगैन, ये देखिए 600 मिलियन ईयर्स अगो। तो परवा 670 मिलियन ईयर्स से भी पुराना है। अब बताइए मुझे क्या अरेंज करने को आएगा? ये पांच चीजें तो आप अरेंज कर लीजिएगा, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ अरेंज कीजिए, अभी चैट बॉक्स में लिख कर बताइए मुझे। ये एमसीक्यू है आपका आज का, देखिए दैट कंसिडर फॉलोइंग इंसिडेंट्स, द अपलिफ्टमेंट ऑफ अरावली रेंजेस, द अकरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, द अकरेंस ऑफ डायनासोर्स, द लाइफ ऑन लैंड, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट। ये देखिए यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये आप अरेंज कर लीजिएगा मुझे बताइए। तो अरेंज करने में देर किस बात की, अभी अरेंज कीजिए। इसीलिए न्यूज पढ़ने का नजरिया होता है, तरीका होता है। वही न्यूज सब कोई पढ़ता है, लेकिन यूपीएससी में सवाल कैसे निकल सकते हैं उसको जज करने का तरीका होता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने ये न्यूज उठाया, परवाह कहां है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
उदयपुर के पास में है या जोधपुर के पास में या दिल्ली के पास में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अकरेंस, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है स्टूडेंट्स पिछले एक साल से, मैं बता दूं आपको। अरावली इज 340 to 670 million years ओल्ड, ह्यूमन बींग्स 5 million years अगो, इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट 40 to 50 million years अगो, डायनासोर्स 230 million years अगो से लेकर 65 million years अगो तक थे, लाइफ ऑन लैंड 600 million years अगो। ये देखिए, मैंने इसलिए कहा ना, पेन कॉपी रेडी रखिए तुरंत लिखने के लिए। तो दिस इज इट, यस यस, ये ह्यूमन बींग्स 5 million years है, ये देखिए 5, ओके, अरावलीज पहले, फिर लाइफ ऑन लैंड ओके, उसके बाद डायनासोर्स ओके, उसके बाद कोलिजन ओके, एंड द मोस्ट रिसेंट इज अर्लीस्ट ह्यूमंस, ये देखिए, यस यस यस, बिल्कुल सही है, यस, लाइफ ऑन लैंड से पुराने हैं अरावलीज, लाइफ इन वाटर्स, लाइफ इन वाटर पहले बिगिन किया था, जमीन पे जब लाइफ इवॉल्व करना शुरू किया उससे पुराने अरावली माउंटेन्स, इतना याद रखिएगा। तो चलिए, इज दिस क्लियर, आगे बढ़ चले क्या हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, यस yes. तो ये देखिए, दिस द रॉक्स आर फार ओल्डर देन अरावलीज, ये देखिए इसी न्यूज में एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैनॉट अराइव एट द एग्जैक्ट एज बिकॉज दे हैवंट बीन डेटेड, ये देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं किया गया है, एज ऑफ रॉक्स इज डिटर्मिंड हेयर बाय स्ट्रैटिग्राफी, स्ट्रैटिग्राफी, देखिए क्या बढ़िया पॉइंट है, स्ट्रैटिग्राफी वर्ड देखिए आ गया आपके पास, अ प्रोसेस दैट स्टडीज बोथ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इनसाइड रॉक्स एज वेल एज रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये देखिए स्ट्रैटिग्राफी प्रोसेस है जिससे जिससे कि मेजर किया जाता है एज ऑफ द रॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस न्यूज हैज गिवन यू टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रीलिम्स के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, नहीं मुझे बताइए, स्ट्रैटिग्राफी ये जियोलॉजी का ब्रांच है एंड ये चेक करता है, ठीक है, ये चेक करता है लेयर्स ऑफ रॉक्स और उसके अंदर दबे कुचले जो भी हैं, ठीक है, लाइफ के रिमेन्स, दैट्स इट, तो स्ट्रेटा का मतलब ही है, ठीक है, स्ट्रेटा का मतलब ये स्टूडेंट्स दैट दिस द रॉक्स के लेयर्स, स्ट्रैटिग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाए, सेकेंड न्यूज आज का, अलर्ट एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो रंबल्स, तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज, ये देखिए बिग आइलैंड नाम है इसका, मौना लोआ, ठीक है, ये देखिए नाम है वोल्केनो का, इज सेंडिंग सिग्नल्स दैट इट मे एरप्ट, ये कहां पर है, हवाई आइलैंड, ये देखिए हवाई आइलैंड, ये देखिए पैसिफिक ओशन में, ये यूएस का पार्ट है क्या, यस ये देखिए, और यूएस का पार्ट है, इज दिस द ओनली पार्ट ऑफ यूएस विच इज फॉलिंग इन द ट्रॉपिक्स, टेल मी, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजर रहा है, वर्ल्ड मैप पे मिलेगा, देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या इससे गुजर रहा है, ये देखिए, यस इट इज द ओनली पार्ट ऑफ यूएस टू बी इन द ट्रॉपिक, सवाल आ सकता है क्या यूएस पूरा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, नहीं, ट्रॉपिक्स में उसका हवाई का पोर्शन पड़ता है, और हवाई में एक कैपिटल है इसका होनोलुलु, ये देखिए इसे कहते हैं होनोलुलु को एक निकनेम दिया गया, क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक, ये देखिए आप बोले सर ये कैसा कैसा सर नाम दे दिया है, अब नाम पे इतना मत फोकस कीजिए, यहीं पे पर्ल हार्बर अटैक हुआ था, नोट कीजिएगा क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक कहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इट वॉज सेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ट्रूली सेड कंट्री विच विल हैव द कैप्चर ओवर हवाई आइलैंड्स विल रूल द वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, ये देखिए इसलिए जापान ने पर्ल हार्बर अटैक किया था, जिसके बाद अटैक किया वापस यूएस ने और बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया जापान को न्यूक्लियर अटैक के साथ में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो ये देखिए इस जगह पर ये पूरा जो हवाईन आइलैंड से देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ये बिल्डअप हुआ है, इसके पीछे जो एक थ्योरी दिया था टूजो विल्सन ने, टूजो विल्सन इज द सेम पर्सन हु गिव द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उन्होंने एक थ्योरी दिया था मेंटल प्लूम थ्योरी, मेंटल प्लूम थ्योरी,
कि मेंटल प्लूम है अंदर में, पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा मोमबत्ती जल रहा है, कैंडल, और उसी से ये हीट एस्केप कर रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है वाया द हवाइयन वोल्केनोस। मेंटल प्लूम थ्योरी वाज आस्क्ड इन 2018 मेंस, आपने देखा होगा, ये देखिए। तो दिस इज इट। और ये देखिए इस कंप्लीट हवाइयन आइलैंड्स में, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दिस सबसे बड़ा जो आइलैंड है इसी में एक वोल्केनो है, मौना लोआ। ये देखिए, ये ऐसा मत सोचिएगा ये अकेला वोल्केनो है, यहीं पे मौना किया वोल्केनो भी है। देखिए आपने सर एक ही जगह पे तीन चार वोल्केनो, यस, ये देखिए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी। तो मौना लोआ, मौना किया, ये सब वोल्केनोज हवाई में है। हवाई का कभी देखिएगा नेशनल ज्योग्राफिक पे वीडियो, यू विल बी अफ्रेड, यू विल बी सरप्राइज्ड, लगातार मैग्मा बाहर आते रहता है। ये देखिए, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए इज दिस क्लियर। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो मौना लोआ राइजिंग 13679 फीट अबव द सी लेवल, आप देख सकते हैं, is much larger than the Kilauea volcano which erupted in 2018 destroying 700 homes। ये देखिए बगल में, देखिए volcano Kilauea volcano, you can see it here, यहीं पे देखिए हवाई volcanoes national park है, क्या नाम है देखिए हवाई volcano national park, volcano के नाम पर national park पड़ गया है। ये देखिए, yes, Pearl Harbor attack Honolulu में हुआ था, किसने सवाल पूछा है, Honolulu में ही Pearl Harbor है, मैं बता दूं आपको, ये यूएस का नेवल बेस था पैसिफिक ओशन में। इज इट क्लियर, टेल मी। चलिए आगे बढ़ चलें स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी के लिए लोकेशन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा न्यूज, फिलीपींस फ्लड्स लैंडस्लाइड्स लीव 42 डेड डजंस मिसिंग सेज गवर्नमेंट। क्या ये पैसिफिक ओशन के अंदर का आइलैंड है, मुझे बताइए। फिलीपींस, यस, इट्स आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो मींस इट्स अ ग्रुप ऑफ आइल्स। ये देखिए, अब देखिए यहां पर ये फिलीपींस में ये कहां पर हुआ है, नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये सब आ रहा है ना पेयर्स में। बंगसा मोरो ऑटोनोमस रीजन मिंदानाओ आइलैंड पर है, वहीं पर ये फ्लड्स आए। ये देखिए, अब बोलेगा अच्छा अच्छा सर, मिंदानाओ आइलैंड आ सकता है क्या फिलीपींस में, यस, ये देखिए मिंदानाओ आइलैंड इज इन फिलीपींस। ये देखिए, नोट कीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बंगसा मोरो कौन से कंट्री का पार्ट है, इट्स फिलीपींस। ये देखिए, इसी आइलैंड पर एक डिस्ट्रिक्ट है ये, ऐसे ही केबो डेलगाडो और ये सब न्यूज में आ रहा है। ओके, तो बंगसा मोरो दिस कैन कम अप इन द यूपीएससी पेपर इन द कमिंग ईयर्स, इसलिए मार्क करके रेडी रखिए, प्लेसेस इन न्यूज इस बार अच्छे से देख के जाना और पर्सनैलिटी इन न्यूज भी। सो इज दिस क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स। ये देखिए परवा इन राजस्थान, आपने पहला न्यूज देखा, स्ट्रेटिग्राफी नया वर्ड मिला आपको। सेकेंड, मौना लोआ क्या है आपको मालूम चला। एंड थर्ड पॉइंट, मिंदानाओ आइलैंड पर ये देखिए दिस फिलीपींस में बंगसा मोरो रीजन क्या है आपको मालूम चला। ये सब न्यूज़ आप वैल्यू एडिशन में पुट अप कर सकते हैं, ज्योग्राफी पोर्शन में, जीएस ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑप्शन में, वोल्केनिक करप्शंस, फ्लड्स, डिजास्टर्स, रिंग ऑफ फायर, सुना होगा आपने ये सब चीज़ें, उसमें अटैच कर लीजिएगा ये न्यूज़, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा न्यूज, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन सेट टू गेट रिकमेंडेशन फॉर रिलीज। हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, आइए देखते हैं। डीयू का ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड को जब मिल गया, डीएमएच 11 को मिल गया गो थ्रू, इंडियाज बायोटेक रेगुलेटर इज सेट टू रिकमेंड द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन ऑफ जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी बेयर एजी दैट अलाउज फार्मर्स टू स्प्रे द हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट। ये देखिए, द ट्रांसजेनिक कॉटन बॉल गार्ड, ये तो आया हुआ है प्रीलिम्स में, ठीक है, बॉल गार्ड वन, बॉल गार्ड टू, ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है, 2021 प्रीलिम्स, गो एंड सी दिस स्टूडेंट्स इन द प्रीलिम्स पेपर। कंटेन्स थ्री एलियन जीन्स, द फर्स्ट टू क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी। ये देखिए, बींग आइसोलेटेड फ्रॉम सॉयल बैक्टीरियम बैसिलस थुरैंजेनेसिस बीटी कॉटन, देखिए यहां पर, एंड कोडिंग फॉर प्रोटीन टॉक्सिक टू द अमेरिकन बॉलवर्म। ये देखिए,
स्पॉटेड बॉलवर्म एंड टोबैको कैटरपिलर इंसेक्ट पेस्ट, ये देखिए ये तीनों चीजों को मार गिराता है। बैसिलस थुरिंजियेंसिस से निकाला गया जीन जो डाला गया है इनसाइड द कॉटन, नाम है इसका बीटी कॉटन, ये देखिए। लेकिन अब एक कुछ नया जीन भी आया है इसमें, द थर्ड जीन CP4EPSPS, नाम याद रखिएगा, इज सोर्स फ्रॉम अनदर सॉयल बैक्टीरियम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमाफेसिन्स, ये देखिए एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमाफेकिन्स, ट्यूमा फेसेंस, ये देखिए FACIENS। इट्स इनकॉर्पोरेशन इनटू कॉटन मेक्स द क्रॉप टॉलरेंट टू ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या ये वीडीसाइड है, मुझे बताइए, हर्बीसाइड है? तो जब ग्लाइफोसेट, अब ग्लाइफोसेट बैंड है ऐसे, मैं बता दूं वर्ल्ड में, जब जाकर स्प्रे करते हैं आप ग्लाइफोसेट, तो उसके बाद वो ग्लाइफोसेट सबको मार देता है, जो भी प्लांट्स रहते हैं, वीड को भी मार देगा, कॉटन को भी मार देगा। इसीलिए कॉटन को ना मार सके, इसलिए कॉटन के अंदर हर्बिसाइड, ये ग्लाइफोसेट टॉलरेंट जीन चाहिए, वही जीन का नाम है CP4EPSPS, निकाला गया एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमाफेसेंस से, एंड नाउ इट विल बी रेजिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट नहीं मार पाएगा कॉटन को। इज दिस क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट। ये देखिए इस न्यूज से क्या मालूम चला, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन, ये देखिए बीटी कॉटन जो नया वाला वेरिएंट है उसमें 3 जीन्स, ये देखिए, ये पहला CRY1AC एंड CRY2AB, ये देखिए CRY2AB, ये देखिए ये दोनों जीन्स, इट मेक्स, इट इज टेकन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियेंसिस, ये देखिए क्या ये बैक्टीरिया है, यस थुरिंजियेंसिस। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंट टूवर्ड्स बॉलवर्म, ये देखिए जो एक पेस्ट है कॉटन पे, ओके। एंड सेकेंड न्यूज, ये देखिए सेकेंड जीन CP4 EPSPS, ये देखिए ये निकाला गया है, नोट कीजिए, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमाफेसेंस से, एग्रो बैक्टीरियम, ये इंपॉर्टेंट नेम हो गया स्टूडेंट्स, ये देखिए ट्यूमाफेसेंस, इट मेक्स द कॉटन टॉलरेंट टू ग्लाइफोसेट। ये देखिए ग्लाइफोसेट, मालूम चला पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड डालने गए थे, ग्लाइफोसेट डालने गए थे तो क्रॉप ही खत्म हो गया, तो दिक्कत की बात है ना, नहीं तो इसीलिए ग्लाइफोसेट कॉटन को ना कुछ कर सके, इसके लिए ये जीन डाला गया है। क्या ये क्लियर है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मेंस में ऑलवेज यू कैन अटैच दिस न्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस बायोटेक के, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, GS पेपर 2/3, ये देखिए स्टेट शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, क्या ये कल का न्यूज था, मुझे बताइए, होम मिनिस्टर ने चिंतन शिविर में कुछ कहा था, ये देखिए। अब आप बोलेगा सर तो कल का न्यूज आप आज क्यों उठा रहे हैं, नहीं, कल का न्यूज नहीं उठा रहे हैं, ये देखिए ये कल का न्यूज था, यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब का न्यूज आया है, वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म पर ही फोकस करते हैं, पहले पॉलिसी बारे में बनाते, यूनिफॉर्म पुलिस यूनिफॉर्म, ये देखिए नाम ही बदल गया, शब्द का मीनिंग ही बदल गया, ये देखिए। तो पुलिस यूनिफॉर्म, इमोशन ही बदल गया, पूरा का पूरा टॉपिक ही बदल गया। आइए देखते हैं, पीएम फ्लोट्स आइडिया टू स्टेट्स, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, ये देखिए ये क्या है, डिफीट एवरी फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म बी इट ऑफ द गन और द पेन मिसलीडिंग द यूथ। सो ही फ्लोट्स द आइडिया ऑफ वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, प्राइम मिनिस्टर मिस नरेंद्र मोदी फ्लोटेड द आइडिया ऑफ वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, अर्जिंग द स्टेट्स टू कंसिडर अ सिंगल यूनिफॉर्म फॉर पुलिस अक्रॉस द कंट्री विद स्टेट्स एट लिबर्टी टू हैव देयर ओन नंबर और इंसिग्निया, ये देखिए उसके ऊपर अपना नंबर या जो भी, मीन्स पुलिस यूनिफॉर्म सेम होना चाहिए, गेट द पॉइंट, उसके बाद आप उसके ऊपर रख सकते हैं अपने हिसाब से सिंबल या नंबर, ये देखिए। सो करेंटली इन अवर कंट्री देर इज वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन ग्रेड, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज, ऐसे ही वन नेशन वन यूनिफॉर्म, ये देखिए।
तो ये देखिए वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म इज़ आइडियल। ये देखिए अलग अलग जगह के पुलिस ऑफिसर्स, ये देखिए क्लॉक वाइज फ्रॉम द टॉप लेफ्ट पुलिस यूनिफॉर्म्स इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, पंजाब, देख सकते हैं आप, कर्नाटक के, जम्मू कश्मीर, ओके, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड पुडुचेरी। देखिए तो जे एंड के, दिस वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड पुडुचेरी, आप देख सकते हैं। पुडुचेरी में देखिए रेड कलर का कैप है, वहीं देखिए जे एंड के का पुलिस यूनिफॉर्म देखिए, वहीं कलकत्ता में वाइट कलर यूनिफॉर्म पहनती है पुलिस, ये देखिए। तो कहा गया अच्छा ठीक है ये क्या है, तो पूछा गया क्या आप क्यों इम्पोज कर रहे हैं अपना यूनिफॉर्म का कंसेप्ट स्टेट्स के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, ही सेज ही इज नॉट इम्पोजिंग हिज व्यू ऑन द स्टेट्स एंड एड्स दैट कॉमन यूनिफॉर्म्स विल गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द पुलिस एंश्योर अ ब्रांड एंड क्वालिटी गियर। ये देखिए तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर वन नेशन वन यूनिफॉर्म और फॉर पुलिस, हु डिसाइड्स व्हाट द पुलिस वियर ऑन ड्यूटी। अब ये पुलिस यूनिफॉर्म एक होगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन सिलेबस आपका बढ़ गया, ये देखिए। तो सर ये क्या है सर, सिलेबस बढ़ता जा रहा है, अब क्या कहा जाए। अब ठीक है, सो अब नाउ अब क्वेश्चन कम्स अप, प्रीलिम्स दैट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पुलिस यूनिफॉर्म को लेकर। ये देखिए, हु डिसाइड्स व्हाट द पुलिस वी आर ऑन ड्यूटी, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। अब क्या रीजन है नहीं पता, अभी यहां रीजन देखिए, और मैंने कहा ना सिलेबस बढ़ता चला जा रहा है हर जगह, ये देखिए। लेट्स सी, एड्रेसिंग द फर्स्ट चिंतन शिविर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर्स एंड टॉप पुलिस ऑफिसर्स ऑन फ्राइडे, प्राइम मिनिस्टर पिच द आइडिया ऑफ वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर इंडियन पुलिस फोर्सेस। द वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस इज जस्ट एन आइडिया, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज इट ऑन यू, जस्ट गिव इट अ थॉट, इट मे हैपन इन 5 ईयर्स, 50 ईयर्स और 100 ईयर्स, ऑल द स्टेट शुड जस्ट थिंक इट ओवर। तो अब सवाल उठता है कि कौन डिसाइड करता है पुलिस का यूनिफॉर्म, आइए देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स मोदी मोदी जी सजेशन इज वन नेशन वन यूनिफॉर्म इज इन लाइन विद हिज ब्रॉडर अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ पॉलिसीज अक्रॉस द कंट्री। इन अगस्त द मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अनाउंस दैट इट हैड इंप्लीमेंटेड वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, उसके पहले वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये देखिए। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सजेस्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम, ये देखिए, इन द कमिंग डेज। So while pitching his new uniform scheme, he said there is one important issue for our nation currently in our, मैंने put up कर दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन decide करता है uniform, ये आपके लिए important है। इन्होंने क्या कहा नहीं कहा, कहाँ पे कौन सा uniform है, ये important नहीं है, ये important है that ये decide कौन करता है, आइए देखते हैं। The Indian Constitution puts police forces under the jurisdiction of state governments and each of the 28 states have their own police force. बोथ पब्लिक ऑर्डर एंड द पुलिस आर प्लेस्ड इन स्टेट लिस्ट, ये देखिए पब्लिक ऑर्डर नोट कीजिए स्टूडेंट्स अभी, एंड पुलिस, ये देखिए, एंड ये सेवेंथ शेड्यूल में स्टेट लिस्ट पे पुट किया गया है। द सेवेंथ शेड्यूल डील्स विद डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। इन द सर्कमस्टेंसेज इट इज अनक्लियर हाउ द पीएम सजेशन इफ द गवर्नमेंट वर टू टेक इट अप सीरियसली माइट बी इंप्लीमेंटेड। वाइल पुलिस पर्सनल इन इंडिया आर ऑफन एसोसिएटेड विद द कलर खाकी, मूवी की बात नहीं चल रही है यहां पर, कलर की बात चल रही है जो पुलिस के यूनिफॉर्म की कलर होती है, ठीक है। देयर यूनिफॉर्म्स डू डिफर इन वेरिंग डिग्रीज इन डिफरेंट रीजन्स सिंस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इवन एन इंडिविजुअल फोर्स कैन डिसाइड द यूनिफॉर्म देयर पर्सनल वियर, ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल फोर्सेज ऑल्सो, वो फोर्सेज खुद ऑटोनॉमस है डिसाइड करने में कि उनके पर्सनल क्या वियर करेंगे। There are at times inconsistencies in their official attire. For example, Calcutta police wear white uniforms. Puducherry police constables wear a bright red cap with their khaki uniforms. Delhi traffic police personnel wear white and blue uniforms. And over the years, police departments, यानी साफ है कौन decide करता है, state governments या police department, मैं बता दूं आपको, ये देखिए clear है मुझे बताइए। पुलिस डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स हैव मेड वेरियस अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म यूनिफॉर्म्स फॉर देयर पर्सनल, ये हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं पूरा ही चेंज कर दिया जाए, ये देखिए।
तो और कुछ होगा या नहीं होगा, इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, सबने सजेशन दिए यहाँ पर, ओके, दैट इस यूनिफॉर्म के अलावा हेल्थ भी मेंटेन करना ज़रूरी है पुलिस पर्सनल का, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ होगा कि नहीं होगा, यूपीएससी के पेपर में, प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा, और वो सवाल आएगा तो आप लोगों को दिक्कत आएगी, ये पढ़ लीजिएगा, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ओके, दीज टू आर स्टेटलेस सब्जेक्ट्स, और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, आप लोगों का सिलेबस बढ़ा है, ये देखिए, एंड कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट या इंडिविजुअल पुलिस फोर्सेस, दैट्स इट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कल एक सोशल मीडिया पे कल दो बड़े बड़े न्यूज आए, एक तो इंडिया का न्यूज था और एक ग्लोबल न्यूज था। ग्लोबल न्यूज ऐसे आया लिखकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आज और लाइव मिंट में, द ब्लू बर्ड इज इन द बैग ऑफ एलॉन मस्क। बात समझ में आ रही है मुझे, बताइए, ब्लू बर्ड इन द बैग ऑफ एलॉन मस्क। एलॉन मस्क फाइनली उस लीग से हट गए हैं, कौन से लीग से, कौन से लीग से या कौन से ग्रुप से हट गए हैं, वो ग्रुप जो बोलने के बाद वो काम नहीं करता, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले नहीं करते थे, बोलते कुछ और थे, नहीं करते थे काम। एलॉन मस्क ने 6 महीने पहले कहा था कि मैं ट्विटर खरीद लूंगा, ओके, मैं ट्विटर खरीद लूंगा, लेकिन उसके बाद हर एक महीने ही वॉज चेंजिंग हिज चांसेस। कहा जा रहा था कि क्या इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप, पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप का क्या असर था, और क्या अभी जोसेफ बाइडेन का असर है, क्या ये भूल रहे हैं क्या। लेकिन आफ्टर 4 to 5 months, फाइनली आफ्टर मच स्पेकुलेशंस एंड डिस्कशंस एंड डिबेट्स एंड कॉन्ट्रोवर्सीज, यस्टरडे एलॉन मस्क बॉट अ ट्विटर एंड विद दैट ही फायर द टॉप थ्री द एम्प्लॉयज, टॉप थ्री पर्सन्स ऑन बोर्ड ऑफ ट्विटर, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया के ही थे चेयरमैन, उनको हटाया गया। यस, पराग अग्रवाल को फायर किया उन्होंने, पराग अग्रवाल के साथ में चल रहा था एलॉन मस्क का तू तू मैं चल रहा था बहुत दिन से, मैं बता दूं आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इसकी ये पहला न्यूज था। सेकंड न्यूज, इंडिया ने मींस हमारे देश में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का तो ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म होता ही है, इसके अलावा अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक नया कमेटी, सेंटर्स ग्रीवांस अपेलेट कमेटी, ये देखिए, वेयर यू कैन गो एंड फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो। ये देखिए, दिस ग्रीवांस अपेलेट कमेटी सेटअप किया गया। क्या ये टॉपिक गवर्नेंस का है स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, क्या ये टॉपिक गवर्नेंस का है। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, दिस दिस द अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड अदर मेजर्स, देखिएगा जो लास्ट टॉपिक है जस्ट बिफोर इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां पर गवर्नेंस अच्छा तभी होता है जब उसमें ग्रीवांस रिड्रेसल ठीक से होता है। एग्री कर रहे हैं ना, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, दैट क्या यहाँ पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर या आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर आप क्या ये पॉइंट अटैच कर सकते हैं वहाँ पर। यस, ये इंश्योर करेगा कि पार्शियलिटी नहीं, पिछले 2-3 साल से चल रहा था डिस्कशन दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मींस इवन इमोरल इमोरल जो डिस्कशंस डिबेट्स हैं ज़्यादा बढ़ गए हैं, और कंप्लेंट्स बार बार आ रहे हैं, किसी को ब्लॉक किया जा रहा है, किसी का ट्वीट हटाया जा रहा है, इसी को लेकर अब ग्रीवांस अपेलेट कमिटी पुटअप किया जा रहा है यहाँ पर। इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, नहीं ये देखिए। सो दिस पाकिस्तान इज सेइंग ऋषि सुनक इज फ्रॉम पाकिस्तान, एक पुटअप हुआ है क्वेश्चन, मैं बता दूं वो कहीं अब कहाँ के हैं नहीं है। देखिए, इसी में हम लोग पड़े रह जाते हैं पचड़े में, वी शुड नॉट फाइंड आउट। अब
जन्म कहाँ पे हुआ या कहाँ जा रहे हैं या किनिया से कहाँ गए ऋषि सुनक, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज ही गोइंग टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया और नॉट, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो हम यहाँ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि इंडियन ओरिजिन का. यस इट फील्स नाइस दैट अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया के समय का, अनडिवाइडेड इंडिया का के का एक फैमिली का एक बंदा आगे के जनरेशन का जाकर हाईएस्ट पोजीशन ऑफ यूके ही गोज ऑन टू अटेन, दैट इज अ गुड न्यूज, अ हैप्पी न्यूज. बोथ द नेबर्स कैन टेक दिस मोटिवेशन फ्रॉम इट दैट यस ये अनडिवाइडेड इंडिया के ही हिस्सा थे, ऋषि सुनक की फैमिली थी. लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऋषि सुनक क्या काम करेंगे इंडिया के लिए या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है. तो दिस इज इट स्टूडेंट्स. अब इस जगह पर मैं बता दूं आपको दैट एलॉन मस्क ने जो ये ट्विटर को परचेज किया, उसके शेयर्स परचेज किए, अब इट्स द ट्विटर हैज टोटली बिकम मींस वन साइडेड कंपनी. जो भी शेयर होल्डर्स हैं वहां पर उनका क्या आप देखिएगा खुद ही, मींस दे आर इट्स लाइक अ कार्टेलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑल्सो ऑन ट्विटर नाउ एट प्रेजेंट. तो चलिए आगे बढ़ चले स्टूडेंट्स. ये देखिए क्या ये क्लियर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ग्रीवांस रिड्रेसल के टॉपिक में आप अटैच कीजिएगा इस टॉपिक को, आर्टिकल 19(1)A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अटैच कीजिएगा इस टॉपिक को. यस आइए आगे बढ़ते हैं. थर्ड न्यूज स्टूडेंट्स, यहां पर प्ली टू प्रोटेक्ट टूलू एंड कोडावा लैंग्वेजेस इन कन्नड़ बिल. ये देखिए टूलू एंड कोडावा स्पीकर्स कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू कर्नाटका, इतना याद रखिएगा. देखिए लिखा हुआ है टूलू इज स्पोकन इन द सदर्न मोस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड ऑल्सो कोडावा इज स्पोकन इन द कोडागु डिस्ट्रिक्ट. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कोडावा इज स्पोकन इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट. ये देखिए ये भाषा है और टूलू लैंग्वेज इज स्पोकन इन द सदर्न मोस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड केरल्स कासरगोड डिस्ट्रिक्ट. ये देखिए केरल में भी स्पोकन है एंड साथ में कर्नाटक में भी. ये देखिए तो क्या ये लैंग्वेजेस प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे बताइए. ये देखिए कर्नाटका ने ये कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल 2022 ये पुटअप किया है असेंबली में प्रोटेक्शन देने के लिए. लैंग्वेजेस टॉपिक क्वालिटी लिंक कर सकते हैं आप इस न्यूज़ को. ये देखिए चलिए आगे बढ़ चले टूलू एंड कोडावा के बाद अगले न्यूज की तरफ. इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस में ऋषि सुनक की बात चल रही थी और आ चुके हैं ऋषि सुनक से रिलेटेड न्यूज यहां पर. सुनक एंड मैक्रोन एग्री ऑन ग्रेटर कोऑपरेशन ऑन चैनल माइग्रेंट्स. ये देखिए यस कासरगोड इज इन केरल, कासरगोड इज इन जस्ट अ मिनट, कासरगोड इज इन केरल, देखने दीजिए. यस इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन केरल. ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये चैनल माइग्रेंट्स कौन है. और इस पर बहुत टेंशन हुआ था लास्ट ईयर में, बता दूं बोरिस जॉनसन और मैक्रोन के बीच में दोनों तूतू मैमे की फाइट में लग गए थे. तो इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक ने साइन किया है एग्रीमेंट. ये देखिए फर्स्ट कॉल लिया है एंड डिसाइड किया ग्रेटर कोऑपरेशन टू प्रिवेंट माइग्रेंट चैनल क्रॉसिंग. से देखिए What is this channel? It's English channel. ये देखिए English channel is based between UK and France. इसी के अंदर Channel Islands हैं, ये देखिए and it is connected with North Sea via Strait of Dover. ये देखिए बहुत important है students, Strait of Dover. Have a look. तो यहां से लास्ट ईयर माइग्रेशन कितना हुआ है टुवर्ड्स यूके, ये देखिए 37,000 पीपल. ये देखिए बोट में तैर कर स्विमिंग करके चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं. देखिए यहां पर 37,570 पीपल लास्ट ईयर माइग्रेटेड इलीगली, इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम फ्रांस टुवर्ड्स यूके. सर ये फ्रांस वाले यूके क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, फ्रांस वाले नहीं है ये अफ्रीका वाले हैं, अफ्रीका तुर्की ओके दिस लेबनान, वहां से लोग आ रहे हैं यहां पर फ्रांस और फिर फ्रांस से जंप लगा ले रहे हैं सी में स्ट्रेट ऑफ डोवर के पास में और पहुंच जा रहे हैं यहां पर. क्या दिक्कत है ये देखिए.
और यहाँ पर स्टेट ऑफ डोवर में चैनल टनल भी है जहां पे ट्रेन गुजरती है, मैं बता दूं आपको, चैनल टनल, ये देखिए। सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए क्या ये लोकेशन क्लियर है इंग्लिश चैनल का। चैनल का मतलब क्या होता है? अब सर 10 डिग्री चैनल भी है सर, ये चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल इज बिगर देन द स्ट्रेट, ये देखिए। स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी, स्ट्रेट से बड़ा है चैनल, ये देखिए। चैनल से, चैनल इज ऑल्सो अ मीन्स कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज, बस फर्क इतना है उसका विड्थ बड़ा होता है एज कंपेयर टू अ स्ट्रेट, ये देखिए। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। ये देखिए इलीगल माइग्रेंट्स केवल तुर्की के और ग्रीस के कोस्ट पे नहीं है, यहाँ पे भी हैं। एंड प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दिस इज वन ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूके एट प्रेजेंट ऑल्सो, ये देखिए। सीधा यूके क्यों नहीं जाते? सीधा कैसे जाएंगे मुझे बताइए, जब है ही नहीं पासपोर्ट और वीज़ा। तो ऐसे तो घूम फिर कर, मैं बता दूं फ्रांस पहुंचने का रास्ता बहुत आसान है। आप बोलिएगा सर कौन सा रास्ता है बताइए, मुझे भी जाना है। जाइएगा मत, ठीक है, मुझे दोष मत दीजिएगा, लेकिन मैं बता दूं आपको दैट सेनेगल, सेनेगल से और मोरक्को से सबसे इजीएस्ट रूट्स है यूरोप के लिए। क्या मोरक्को में कुछ स्पेनिश टेरिटरीज हैं क्या? सीउटा मेलिला, सुना है आपने, मुझे बताइए। सीउटा मेलिला, पहले ये लोग वहां जाते हैं, स्पेनिश टेरिटरीज अपॉन द मोरक्कन कोस्ट, ये देखिए। उसके बाद वहां पर रहने से, रहकर स्पेनिश सीखकर फिर जंप लगा लेते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में टुवर्ड्स स्पेन, उसके बाद स्पेन से फ्रांस, फिर फ्रांस से बोरिस जॉनसन के घर पे अगले दिन चाय पीते हुए, देखिए। ओके, गॉट द पॉइंट? तो दिस इज वन वे, एंड द सेकंड वे इज द सेनेगल। सेनेगल से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुए वाया बोट्स टुवर्ड्स स्पेन, ये देखिए। तो दैट्स इट आउट हियर, चलिए आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये देखिए। पहला, इंडिया स्टील इंडस्ट्री नाउ सेकंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, ये देखिए। बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हैं बिगेस्ट कौन सा होगा, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए। सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हो गया है दिस इंडियन स्टील इंडस्ट्री, ये देखिए। एंड इंडिया इज सेट टू टारगेट टू डबल इट्स क्रूड स्टील कैपेसिटी, ये देखिए। तो स्टील इंडस्ट्री, इज दिस द सनराइज इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, सनराइज सूर्य उदय कराता है, इज दिस अ कैपिटल गुड, टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये देखिए। कैपिटल गुड, सनराइज इंडस्ट्री, ये देखिए। कहते हैं कि स्टील जितना बढ़ेगा स्टील इंडस्ट्री उतना बढ़ेगा इंडिया, ये दैट्स इट। ओके, तो यू कैन कोट दिस टॉपिक पॉइंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, आप कोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC कब बनाया गया था ये पढ़ते हैं, और क्यों ये न्यूज़ में आया है इंडियन एक्सप्रेस में आज देखते हैं स्टूडेंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन 2014 RBI अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाई डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI एट दैट टाइम श्री उर्जित पटेल, उस समय श्री रघुराम राजन वॉज द RBI गवर्नर, टू एग्जामिन इट्स करेंट मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये देखिए। इनको सेटअप किया गया कमिटी में अध्यक्ष, ये देखिए। RBI शुड फोकस, यस स्टील हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, RBI शुड फोकस ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। एंड इस कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए देखिए, यहाँ पर द टारगेट फॉर द इन्फ्लेशन वुड बी सेट एट 4% विद अ बैंड ऑफ प्लस माइनस 2% अराउंड इट, ये देखिए। इसका मतलब साफ है दैट दिस 4 से 6%, ठीक है, सॉरी 2 से 6%, देखिए 2 से 6% के अंदर इन्फ्लेशन रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले साल अगर 100 रुपए थे किसी चीज के दाम, वो 106 रुपए इस बार होना चाहिए, 106 के ऊपर नहीं। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो क्या हुआ ये देखिए, एंड ऑल्सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से टारगेट लिमिट सेट किया गया, 12 मंथ टारगेट ऑफ 8%, 24 मंथ टारगेट ऑफ 6%, ये देखिए। एंड उर्जित पटेल कमेटी की बात मान ली गई और सेटअप किया गया एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने पुटअप किया था दैट एक MPC सेटअप किया जाए, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी वेस्टेड इन द MPC, द गवर्नर ऑफ RBI शुड बी द चीफ ऑफ MPC, डिप्यूटी गवर्नर शुड बी द वाइस चेयरमैन ऑफ MPC, एंड देयर शुड बी टू एक्सटर्नल मेंबर्स, ये देखिए।
टर्म शुड बी ऑफ 3 ईयर्स विदाउट प्रोस्पेक्ट फॉर रिन्यूअल, ये उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन थे। और उसके बाद RBI ने सेटअप कर लिया अपने यहाँ MPC, MPC की मीटिंग देखिए, 6 मेंबर कमेटी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे। Why minimum inflation is maintained? Inflation is a precursor of growth. Do you agree? मुझे बताइए students. ये वही बात हो गई। अब तो ध्यान दीजिएगा students कि आप कोई चीज़ें बेच रहे हैं या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लास्ट ईयर 100 रुपये मिला, इस बार भी 100 रुपये, ऐसे ही आप कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं, पिछले साल 40 नंबर, इस साल 40 नंबर, क्या आप बताइए क्या इस तरीके से प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स क्या मोटिवेट हो पाएंगे? नहीं। इसलिए इन्फ्लेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ ग्रोथ फॉर द सप्लाई साइड, दैट्स इट। तो ये देखिए 6 मेंबर कमिटी देखिए, और इसमें 3 मेंबर्स RBI से, और देखिए, और 3 मेंबर्स, दादा 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं वो बैठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉन RBI मेंबर्स, देखिए ये कमेटी बना दी गई उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद, नॉन RBI मेंबर्स अपॉइंटेड फॉर 4 ईयर्स, ये देखिए, एंड दिस 4% का इन्फ्लेशन मिनिमम, 2 मैक्सिमम 6%, ये देखिए। अब आप बताइएगा कि सर ये न्यूज क्यों आया, आइए देखते हैं क्या न्यूज है स्टूडेंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ऑन थर्सडे सेड दैट इट विल होल्ड एन एडिशनल मीटिंग ऑन नवंबर 3। नवंबर 3 को एक एडिशनल मीटिंग कर रहा है RBI, बिकॉज RBI हैज फेल्ड टू मेंटेन द इन्फ्लेशन, मेंटेन इन्फ्लेशन 6% तक में फेल कर गया है RBI, और इसका मतलब साफ है, बोला कि सर ये कब फेल किया है, जनवरी से लेकर सितंबर तक, ये पूरा साल इन्फ्लेशन का ही था, ये देखिए 6% क्रॉस कर गया इन्फ्लेशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ये देखिए। व्हाट डज सेक्शन 45ZN, ये देखिए 45ZN ऑफ RBI एक्ट से, RBI एक्ट में ये 45ZN है, देखिए, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एन MPC मीटिंग हैज बीन कॉल्ड अंडर सेक्शन 45ZN सिंस द अडॉप्शन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी रेजिम इन 2016। This section of RBI Act says that in case RBI fails to meet the inflation target, देखिए लिखा हुआ है, if RBI fails, ये देखिए, then it has to submit a report to the government. Report भारत सरकार को submit करना जरूरी पड़ेगा, ये देखिए वही लिखा हुआ है, reasons बताते हुए कि reasons क्यों वो fail कर गया inflation targeting में। बात समझ में आ रही है मुझे, बताइए students, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, The section 45ZN of RBI Act says that if the RBI fails to meet the inflation target, it has to present a report to the government explaining the reasons for the failure. In the report, the central bank will have to mention the remedial actions it proposes to take and an estimated time within which the inflation target will be achieved. Ye dekhiye, following the timely implementation of proposed remedial actions, that's it. And what is the other provision? Regulation 7. ये देखिए, the Regulation 7 of the RBI MPC and Monetary Policy Regulations 2016 states that a separate meeting is required to be scheduled as part of the normal policy process to discuss and draft the report to be sent to the government. So Section 45ZN of the RBI Act and Section and Regulation 7 of Monetary Policy Act. ये देखिए, इन दोनों के तहत रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करेगी भारत सरकार को RBI, बस यही लिखा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। करंटली MPC मीट्स 6 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये देखिए, विच इज एवरी 2 मंथ्स। द शेड्यूल ऑफ द MPC मीटिंग्स फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर इज अनाउंस इन एडवांस, आप देख सकते हैं, और इस बार ये इमरजेंसी मीटिंग है, आप समझ सकते हैं, गेटिंग द पॉइंट, ये एक्सेप्शनल मीटिंग है। यस, इज इट क्लियर, मुझे बताइए। So that's it. Yes, inflation can rise because of the price can rise because of growth. The price can rise because of crisis also. Supply side crisis चल रहा है अभी ना, मुझे बताइए चल रहा है कि नहीं, जनवरी से ही चल रहा है पूरा, यूक्रेन वॉर फरवरी से शुरू हुआ तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है, दैट्स इट। सो दैट्स इट ऑल अबाउट टूडेज न्यूज स्टूडेंट्स। ये देखिए MPC के बारे में कुछ आपने पढ़ा आज, इंडिया के स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा आपने कुछ, आपने चैनल माइग्रेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा, आपने पढ़ा टूलू एंड कोडावा लैंग्वेज कहाँ स्पोकन है, आपने पढ़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ग्रीवांस, रेड्रेसल,
आपने पढ़ा पुलिस फोर्सेस का यूनिफॉर्म कौन डिसाइड करता है, आपने और भी एक चीज़ पढ़ा स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस, बीटी कॉटन में कौन कौन से जीन्स हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया से उठाए गए हैं, एंड उसके अलावा यू ऑल्सो सॉ द टॉपिक ऑफ डिजास्टर्स इन फिलीपाइंस मिंदानाओ आइलैंड बंगसा मोरो डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए। साथ में आपने ये भी देखा मौना किया एंड मौना लोआ, ये कहाँ पर है हवाई आइलैंड्स में, ये देखिए। एंड आपने ये भी पढ़ा दैट अरावलीज के अरावलीज सबसे ओल्डेस्ट अकरेंस, ये देखिए। उसके बाद क्या क्या आकर किया हम लोगों ने अरेंज किया स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, ठीक है। टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पर आ जाइएगा इस सेशन का फ्री PDF लेने के लिए, ये देखिए यही है टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा। और ये देखिए टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, संकल्प टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही है दिस, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन पुट अप अ मैसेज ऑन द फॉलोइंग ऑन दिस मोबाइल नंबर, ठीक है, या गूगल फॉर्म आ जाएगा नेक्स्ट वीक, यू कैन टेक अप द दिस गूगल फॉर्म, रजिस्टर कर लीजिए। पहले 50 बच्चों के लिए 10-20% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। ये देखिए 10-20% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, फीस कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, 12,000 के रेंज में प्राइस रहेगा, 17 टेस्ट है फुल फ्लेजेड, सी सेट के अलग से टेस्ट आएंगे 6-3,000 रुपए के, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, वो टेस्ट आएंगे जनवरी लास्ट से, दैट्स इट। गॉट इट स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, विद दैट आई विल एंड टूडे सेशन, एंड नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद आप सभी लोगों का आउट हेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड यस।